स्मार्टफोन के चोरी या खो जाने पे उसको ऑफिशियल तरीके से ब्लॉक कैसे कराएं। किसी भी फ़ोन के चोरी या खो जाने पे उसको ब्लॉक करवाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उस फ़ोन का दुरुपयोग ना हो। यदि उस फ़ोन का उपयोग किसी आपराधिक कार्य में या किसी अनैतिक कार्य में किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी फ़ोन ओनर के ही ऊपर आती है। फ़ोन को ब्लॉक करवाने से पहले आपको उसके चोरी या खो जाने की FIR दर्ज करवानी होगी। अब हम जानेंगे कि चोरी या खोए हुए फ़ोन को ऑफिशियल तरीके से ब्लॉक कैसे कराएं। दूर संचार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है CEIR, उस वेबसाइट पे आपको जाना है और जाने के बाद जो पेज आपके सामने ओपन होगा वहाँ पे आपको विकल्प दिखाई देगा ब्लॉक स्टोलन स्लैश लॉस्ट मोबाइल। उस पर क्लिक करके जो फॉर्म सामने निकल के आएगा उस फॉर्म पर मांगी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी होगी। चलिए हम इस फॉर्म को एक बार जानते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें भरी जाए। स्मार्टफोन के चोरी या खो जाने पे उसे हम ऑफिशियली वे से कैसे ब्लॉक कराएं, ये आज हम जानेंगे। आपको करना क्या है, दूर संचार विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, इस वेबसाइट को आपको अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप के ब्राउज़र पर ओपन करना है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं CEIR, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं सामने एक नया पेज ओपन होकर आता है जिस पर आपको कई सारे विकल्प दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, फॉरगेट रिक्वेस्ट ID। तो इसमें आपको फ़ोन के चोरी या खो जाने पर उसको ब्लॉक करवाना है तो हमें क्लिक करना होगा ब्लॉक स्टोलन स्लैश लॉस्ट मोबाइल पर। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेज खुल के आएगा जिस पे फॉर्म दिखाई देगा जिस पे सबसे पहले मांगी जा रही डिवाइस की इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर दर्ज करना होगा। अब जो फ़ोन चोरी हुआ है उस फ़ोन की IMEI, अगर डुअल सिम है तो दो IMEI नंबर होंगे, उन दोनों को यहाँ पे दर्ज करना होगा। ड्रॉप डाउन मेनू से आपको डिवाइस का ब्रांड सेलेक्ट करना होगा, जो ब्रांड यहाँ पे दे रखा है आप उस ब्रांड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिवाइस का मॉडल और फ़ोन खरीदते समय जो इनवाइस मिली थी उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद लॉस्ट इन्फॉर्मेशन यानी फ़ोन चोरी होने या खो जाने की जो विवरण है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे, किस जगह खोया वो यहाँ पे लिखेंगे, किस तारीख को खोया, किस ज़िले में और किस राज्य में खोया, और पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे, पुलिस कंप्लेंट नंबर यानी जो FIR नंबर होगा वो यहाँ पे दर्ज करेंगे और वही FIR की कॉपी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आता है मोबाइल ओनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो मोबाइल का ओनर है वो अपनी जानकारी यहाँ पे दर्ज करेंगे, जैसे उसका नाम, पता, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर आइडेंटिटी। जो आप सेलेक्ट करेंगे उसी ID को आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसी ID का नंबर भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपके पास ईमेल ID है तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कैप्चा जो दिखाई देगा उसको आप एंटर करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने बाद OTP जनरेट होगी, वो OTP दर्ज करने बाद आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। डिक्लेरेशन पे टिक करने बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। 18 संख्या की एक रिक्वेस्ट ID आपके पास आएगी फ़ोन नंबर पे, उस रिक्वेस्ट ID फ़ोन नंबर पे आएगी और सामने भी आपके पेज पे शो करेगी। उस रिक्वेस्ट ID को आप अपने पास नोट करके एक दिन दो दिन बाद आप उस स्टेटस को देख सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।